छोटे बच्चे भी बढ़िया जंगल में जा रहे थे भाई लकड़ी लाने के लिए, और हाथ देखो पूरे जंग वाले हो गए हैं। और हफ्ते बाद जब बाइक चलाते हैं ना तो मजा ही कुछ अलग रहता है, फील ही कुछ अलग रहती है। और बहुत से लोगों का सपना था इस बाइक को लेने का, अनफॉर्चुनेटली ये बंद हो चुकी है। यहाँ पे ना आजकल भाई एक एक फुट बर्फ होती थी, काफी मस्त नजारा है चायल का। ये अपनी बाइक है यहाँ पे, तो भाई ऐसा नजारा ना बार बार देखने को नहीं मिलता है। चूल्हे पे मैं बढ़िया से रोटी बनाने वाला हूँ। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो अभी करीब सुबह के 10 बज रहे हैं और आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है अपने खेत से। ये हमारा टमाटर का खेत था जिसको हम खाली कर रहे हैं, इसमें से पोल वगैरह निकाल रहे हैं, आजकल दूसरी फसल के लिए इसको तैयार कर रहे हैं। तो इसमें ऐसी ऐसी तार्स लगी है और कुछ पोल वगैरह भी लगे हैं, ये इसमें से निकालने हैं अभी। तो काफ़ी टाइम लग जाता है इसमें लगाने में भी और खोलने में भी। बाकी देखो पशु भी मस्त बढ़िया से चर रहे हैं, बढ़िया सी देखो हरी हरी घास है इसमें नीचे, और साथ में देखो यहाँ पे लहसुन लगा रखे हैं, काफी मस्त खेती हो रखी है लहसुन की। ये अपने नहीं है, किसी गांव वाले के, और बारिश काफी समय से नहीं हुई है, लगभग 3-4 महीने हो चुके हैं, जिस वजह से हवा में डस्ट वगैरह काफी हो गई है। बारिश होनी चाहिए पर अभी जो वेदर है ना वो बता रहा है लगभग फरवरी तक कोई बारिश नहीं है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है, खेती के लिए बारिश का होना बहुत जरूरी है, सर्दी बरसना बहुत जरूरी है। और आजकल जैसे छोटे बच्चों को सर्दियों की छुट्टियां भी हो रखी है ना, छोटे बच्चे भी बढ़िया अपने मम्मी पापा के साथ जंगल में जा रहे थे भाई लकड़ी लाने के लिए। वैसे ज़रूरत तो कोई नहीं होती है पर छोटे बच्चों को काम करने का बहुत शौक होता है। ये अपने ऊपर भी बात लागू होती है, जब हम भी छोटे थे ना तो हमारे को भी ऐसा ही शौक होता था, बड़े होके पता लगता है कि कैसे आलस लगते हैं इस काम में। तो देखो कुछ इस तरह के रोल बनाने पड़ते हैं तारों के खोल के, और हाथ देखो पूरे जंग वाले हो गए हैं, क्योंकि जैसे हवा के संपर्क में पानी के संपर्क में रहती है तारे ओपन में, तो इसमें जंग लग जाती है। वैसे अगर अभी निकाल दो इसको और बढ़िया से सूखी जगह पे रख दो ना तो फिर खराब होने का डर नहीं रहता इतना। एक खेत से हमने निकाल दिया, टाइम अभी लगभग दोपहर का 1 बजने वाला है, और अभी अपनी तैयारी हो चुकी है घर जाने की। घर में बढ़िया लंच करेंगे और उसके बाद मार्केट जाना है, मार्केट में थोड़ा सा काम है भाई। बाकी देखो पापा यहाँ पे मस्त मजे से धूप में बैठ रखे हैं, तो ये थोड़ी देर से आएंगे क्योंकि पशु हमने आज थोड़े लेट खोल रखे हैं, अभी बढ़िया से इनके पेट नहीं भरे हुए हैं, तो पशुओं को पापा लाएंगे थोड़ी देर से। तो भाई देखो अभी मेन रोड में पहुंच चुके हैं और अकेला नहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ आशीष भाई भी है, थोड़ी देर में वो भी आता ही होगा भाई। तो जय शंकर जय भगवती, करते हैं आज की राइड की शुरुआत। वार्म अप जरूरी है भाई चलाने से पहले ना, क्योंकि आजकल एक तो टेम्परेचर बहुत डाउन है, एकदम से अगर आप सीधे चलाने लग जाओ ना तो ऐसा शॉक लगता है बाइक को जैसे आपको एकदम से ठंडे पानी में डाल दो। अगर इंजन की लॉन्ग लाइफ चाहिए ना कोल्ड स्टार्ट ना जरूरी है। आशीष भाई भी पहुंच चुके हैं, और ये रहा भाई कुछ अपने गांव का नजारा। आजकल तो सर्दियों में भाई हफ्ते हफ्ते बाद निकलती है बाइक, और हफ्ते बाद जब बाइक चलाते है ना तो मजा ही कुछ अलग रहता है, फील ही कुछ अलग रहती है। और बारिश ना होने से ना पहाड़ों के नजारे कुछ फीके फीके से रहते हैं, चारों तरफ धुंध ही धुंध फैल गई है। सामने देखो बकरियां भाई, ओ भाई इजी। तो पहाड़ों में लोग बकरियां भी काफी पालते हैं भाई, हमारे गांव के लोग तो नहीं पालते पर जो अगल बगल के गांव है ना वहां के लोग पालते हैं बकरियां। और वो देखो भाई कुवाड़िया पीक काफी मस्त लग रही है, अब तो वहां जाना भी नहीं होता है भाई। अपने सारे दोस्त जब घर में थे ना तो 1-2 साल पहले लग ही जाता था भाई चक्कर कैंपिंग वैम्पिंग का, आजकल तो कहीं भी जाना नहीं हो पा रहा है। जल्दी बनाएंगे कैंपिंग ट्रिप, या कोई ट्रिप ही बनाएंगे उसी में ही कैंपिंग कर लेंगे। और अब ये जो बाइक है ना हिमालयन 411 PS6 ये बंद हो चुकी है, और बहुत से लोगों का सपना था इस बाइक को लेने का, पर क्या करें भाई अनफॉर्चुनेटली ये बंद हो चुकी है। पर इसकी जगह जो रॉयल एनफील्ड ने बाइक निकाली है ना वो भी काफी गजब है भाई, बहुत तगड़ी पावर है उसमें, वो है हिमालयन 452। बहुत तगड़े तगड़े रिव्यू है उस बाइक के, तो देखते हैं कभी उस बाइक को चलाने का मौका मिले या कभी फ्यूचर में हम भी उस बाइक को ओन करें। और जिस जगह से अभी हम राइड कर रहे हैं ना ये पूरा जंगल वाला और छांव वाला एरिया है, यहाँ पे ना आजकल भाई 1-1 फुट बर्फ होती थी, और देखो भाई बर्फ का नामो निशान नहीं है कहीं पे। तो भाई ये है देखो बैरियर ग्रीन टैक्स का, यहाँ से हम चल पड़े चायल की तरफ, जो पीछे राइड को रोड जा रही थी ये जा रही थी शिमला। और ये देखो विंटर वंडरलैंड, आजकल तो कहीं पे बर्फ नहीं है, मनाली स्पीति कश्मीर कहीं भी बर्फ नहीं पड़ रही है भाई, यहाँ तो उसके बाद पड़ती है। सो फाइनली भाई पहुंच चुके हैं पर्यटन नगरी चायल में। आशीष भाई को थोड़ा सा बैंक में काम है, यही है यूको बैंक। तो भाई देखो बढ़िया बैंक का काम भी हो गया, अभी आशीष भाई के ही काम था, मेरे कोई काम नहीं था। और अभी अपने को जाना है साधुपुल, साधुपुल में भी आशीष भाई के ही काम है, इन्हीं के काम से आज हम मार्केट आ रखे हैं। तो ये है भाई अपनी चायल मार्केट, छोटी मोटी जरूरत की चीजें हम यहीं से ले जाते हैं, और बैंक पेट्रोल पंप वगैरह भी अपना यहीं पे है भाई, मतलब काफी दूर आना पड़ता है हमारे को, लगभग 15 किलोमीटर दूर आना पड़ता है घर से, तो ये काफी बड़ी दिक्कत है। पेट्रोल पंप और बैंक अगर हमारे कहीं नियर बाय 2-3 किलोमीटर के एरिया में लग जाता है ना
तो बहुत सुविधा हो जाएगी। चायल मार्केट से सिर्फ 500 मीटर आगे आने पे जहाँ से ये गाड़ी आ रही है ना, ये वाला रोड ऊपर सीधा जाता है क्रिकेट ग्राउंड के लिए। बहुत मस्त रोड है भाई, काफी बढ़िया नजारे है इसमें, बढ़िया घने घने पेड़ों के बीच से है। तो कभी जरूर जाएंगे इस रास्ते में भी अगर टाइम होगा ना, एक बार फिर से एक्सप्लोर करेंगे इन जगहों को। अभी हम पहुंच चुके हैं चायल के पेट्रोल पंप पे जहाँ से हम पेट्रोल भरवाएंगे। 96 रुपए लीटर है भाई यहाँ पे पेट्रोल। तो अभी हम एक ऐसी जगह पे पहुंचे हैं, यहाँ से जो सीधे जाने वाली रोड है ये जा रही है काली टिब्बा के लिए, और जो राइट रोड है जिसमें हम मुड़ चुके हैं ये रोड जाती है सोलन के लिए। तो हमें साधुपुल तक जाना है, सोलन तो नहीं जाना है, और साधुपुल यहाँ से लगभग मे बी 20 किलोमीटर के आसपास हो सकता है। और आज मौसम ना थोड़ा सा गड़बड़ है, बादल है थोड़े से, इस वजह से ठंड लग रही है भाई, और मैं पहन के भी इतना खास नहीं ला रखा हूँ। अगर आप यहाँ का प्लान कर रहे हो ना घूमने फिरने का, तो इस एरिया में ना चायल से थोड़ा सा नीचे आने पे यहाँ पे काफी सारे होटल होम स्टे वगैरह है। तो भाई ये है साधुपुल मार्केट, यहाँ पे थोड़ी सी 8-10 दुकानें हैं और हमें थोड़ा सा आगे जाना है काम करवाने के लिए। बगल में ये देखो जो रिवर बह रही है ना, इसका नाम है अश्विनी खड्ड। अभी तो इसमें इतना खास पानी नहीं है ना, क्योंकि बारिश नहीं हुई काफ़ी टाइम से, पर बरसात में ये रौद्र रूप ले लेती है अगर थोड़ी सी ज़्यादा बारिश हो जाए। और ये है साधुपुल का पुल, ये नया पुल बना है, कुछ टाइम पहले ये टूट गया था। और अगर आपको रिवर साइड कैंपिंग का मज़ा लेना है ना, तो नदी में बहुत सारे हट्स वगैरह है भाई इसमें नीचे ना, आप आराम से स्टे कर सकते हो। ये देखो, और होटल वगैरह भी है इसमें नदी में नीचे। ये होटल वगैरह तभी बने थे जब पुल टूटा था ना, तो सारी गाड़ियाँ यहीं से होते हुए जाती थी और टूरिस्ट यहाँ पे रुकते थे। छोटे छोटे ढाबे बनते गए, होटल बनते गए, अब यहाँ पे स्पेशली एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। आगे एक गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी है, वहीं पे अपने को जाना है। वहाँ पे एक साइबर कैफे है, तो उसी में आशीष भाई को थोड़ा सा काम है। यहाँ है भाई स्कूल, तो यहीं पे अपने को काम है। इस जगह का नाम है कहलोग। भाई बाइक के ऊपर तो कोई जजमेंट नहीं हो रहा था, धूप का हवा इतनी ठंडी थी ना, अब जाके रात मिल रही है, अब जाके धूप में बढ़िया मजा आ रहा है, धूप महसूस हो रही है अब जाके बाइक से उतर के। तो हम मेन रोड से थोड़ा सा इस तरफ आ रखे थे, यहाँ पे तुंदल पंचायत है, उसी के साथ पोस्ट ऑफिस भी है। वहीं पे भाई का जो आधार कार्ड है वो अपडेट हो गया, और करेक्शन थी थोड़ी सी करवाने के लिए। तो बढ़िया से 15-20 मिनट हम यहाँ पे बैठे, और अभी चल पड़े वापस चायल की तरफ। ठंड लगेगी भाई इसलिए जल्दी से निकलना होगा। तो अभी भाई साधुपुल से वापसी चल पड़े, और ये जो रिवर दिख रही है ना, ये है अश्विनी खड्ड। नीचे जाके ये गिरी रिवर में मिल जाती है, गिरी पुल में, और काफी मस्त सा नजारा है यहाँ का। देखो क्लाउडी सा स्काई हो रखा है, और बीच में एक मंदिर भी, यहाँ पे शायद से छोटा सा मेला भी लगता है एक। ये आइडिया नहीं है कि कब मेला लगता है, थोड़े लेट हो रहे हैं इसलिए चलते हैं जल्दी से वापस। और आज पेट्रोल के पैसे भी आशीष भाई ने दिए, क्योंकि इन्हीं के काम के लिए आ रखे थे स्पेशल हम, इसीलिए आशीष भाई चुपचाप बैठे हुए पीछे, दुख हो रखा है शायद से। देखो भाई ऐसी ठंड में अपनी बाइक को लेके कहाँ आ रखे आज हम, बहुत ठंड है भाई। इस ठंड के हिसाब से कपड़े भी नहीं ला रखे मैंने भाई। ये वाला पार्ट ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, यहाँ से देखो कितना घना जंगल है चायल की तरफ। पेट्रोल पंप के आसपास पहुंच रखे हैं, देवदार ही देवदार है सारे। चायल पहुंच चुके हैं, ये है भाई पर्यटन नगरी चायल, काफी मस्त नजारा है चायल का। तो भाई अभी लोअर मार्केट की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे आशीष भाई को कटिंग करवानी है। सैलून में भीड़ है भाई अभी ना, तो इसलिए धूप सेक रहे हैं मस्त मजे से। और यहाँ से नीचे पूरा देवदार का जंगल है भाई। थोड़ी देर में बढ़िया से सनसेट भी हो जाएगा, तो कोशिश करेंगे बढ़िया सा सनसेट दिखाए भाई आपको। हमने सोचा था भाई जल्दी फ्री हो जाएंगे, पर आशीष भाई को कटिंग करवाने में बहुत टाइम लग गया। उतने मुझे बाइक मिल गए थे एक चायल के, तो उनके साथ बढ़िया से ट्रेवल की बातें हो रही थी। टाइम अभी लगभग 5:32 हो चुके हैं, सनसेट होने वाला है, काफी मस्त रोशनी आ रही है सनसेट की। तो आगे यहाँ पे बढ़िया सा एक व्यू पॉइंट है, आपको मस्त सा सनसेट दिखाते हैं। तो भाई ऐसा नजारा ना बार बार देखने को नहीं मिलता है, इसलिए बढ़िया से सनसेट देखने के लिए रुक गए। आशीष भाई तो मना कर रहे थे, पर मुझे रुकना ही था, और आप लोगों को भी ये बढ़िया सा सनसेट दिखाना था। और आशीष भाई ने बढ़िया से गच्चक ले रखा था भाई, थोड़ा सा ही लिया था, ज्यादा मजा तो नहीं आया, भूख भी बहुत लग रही है। अपने पास आज बिल्कुल भी पैसे नहीं है, गूगल पे भी नहीं चल रहा है अपना। ये अपनी बाइक है यहाँ पे, और सनसेट के नजारे देखो भाई सामने। मौसम चाहे बेशक ही सूखा हो, बारिश चाहे कितने भी दिनों से ना हो रही हो, पर टेम्परेचर में कोई कमी नहीं है भाई, 12 डिग्री टेम्परेचर, ठंड बहुत है। तो अभी घर भी पहुंच चुके हैं, और रास्ते में काफी ठंड थी भाई, और ये सारी ठंड ना आग के पास दूर हो जाती है। तो मस्त बढ़िया से भी देखो आग सेक रहे हैं, और इस पे देखो दाल लगा रखी है, भर्त धातु होती है उसका भड्डू है। तो अभी भी हम पुराने जो बर्तन है अपने, कांसा तांबा भर्त ऐसी ऐसी धातुएं होती है, उसमें खाना बनाते हैं। इसमें खाना बहुत ही टेस्टी और गुणकारी होता है। तो देखो आटा मैंने बढ़िया से गूंथ दिया है, और इस पे अभी चूल्हे पे मैं बढ़िया से रोटी बनाने वाला हूँ। कई बार होती है भाई ऐसी समस्या घर में, जब खाना मुझे बनाना पड़ता है, और जब मैं अकेला रहता हूँ ना, तो मैं खाना बनाता ही नहीं भाई, कुछ ऐसा ही जुगाड़ कर लेता हूँ, कुछ घर पे खाने का पड़ा हुआ हो,
या मतलब बासी खाना वगैरह आलस करता हूँ। और जब तो घर वालों के लिए खाना बनाना पड़ता है ना, फिर तो पीछे नहीं हट सकते, फिर तो बनाना ही पड़ता है भाई। मम्मी नहीं बना सकती, मम्मी बीमार है थोड़ी सी। तो भाई देखो अपना लास्ट फुलका बन के तैयार हो चुका है। ये देखो ये गया चूल्हे में। चूल्हे की रोटी का तो भाई स्वाद ही कुछ अलग है। और अपने फुलके ना कुछ बड़े बड़े होते हैं, थोड़े बड़े इसलिए बनते हैं क्योंकि जल्दी से बन जाते हैं और ज्यादा नहीं बनाने पड़ते, तो ऐसा सीन है कुछ। और उधर देखो पापा रोटी खाने भी लग गया है, तो हम भी अभी बढ़िया से डिनर करेंगे। आजकल भाई काम तो खेत का ही है, ज्यादा इंटरेस्टिंग कंटेंट नहीं है आजकल। बीच बीच में अपडेटेड रहना भी जरूरी है। तो होप करते हैं आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। और हाँ, यहाँ तक वीडियो देखिए तो कमेंट किए बिना बिल्कुल मत जाना।